और अब बात भाजपा की उस तैयारी की जिसका मकसद उपचुनाव में करिश्माई जीत हासिल करने का है। इसके लिए कैसी सधी हुई रणनीति पर दांव लगाया जाने वाला है जो ज्यादातर सियासी विश्लेषकों को चौंकाने वाला साबित होगा। भाजपा हर हाल में सपा का मनोबल ध्वस्त करना चाहती है और इसके लिए उसकी कोशिश अपने किले को मजबूत रखते हुए सपा के गढ़ को ध्वस्त कर देने की है, ठीक उसी तरह जैसे उसने लोकसभा उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ में कर दिखाया है। उपचुनाव को लेकर भाजपा करिश्माई नतीजे हासिल करने के मकसद से काम कर रही है। उसकी सबसे पैनी निगाह मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर है। अब आपको भाजपा की संभावित रणनीति की हर बात बता देता हूं। आखिर कहां से इस उपचुनाव में कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी? मैनपुरी में कौन होगा भाजपा का प्रत्याशी? ओबीसी प्रत्याशी की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। यादव के बाद शाक्य वोटर सबसे ज्यादा मैनपुरी में है। रघुराज सिंह शाक्य का नाम चर्चा में है। शिवपाल यादव के करीबी है रघुराज सिंह शाक्य, सांसद भी रह चुके हैं रघुराज सिंह शाक्य। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में आए थे रघुराज। रघुराज के नाम पर शिवपाल भी तटस्थ रह सकते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने हुए लखनऊ से लाइव। अनुभव, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी को लेकर पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है और जो संभावित प्रत्याशी है उसकी जो चयन प्रक्रिया है, क्या जानकारी आपके पास है कि क्या वो चयन प्रक्रिया है, कैसे कब कोर कमेटी की बैठक होगी? मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए बिल्कुल रोहित जी, क्योंकि बीजेपी की जो अगर हम कहें कैंडिडेट सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। जिले से वो नाम मांगते हैं, वो क्षेत्र में आता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष फिर उन्हीं नामों को प्रदेश मुख्यालय पर भेजते हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, इनके पास नाम आते हैं और फिर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होती है जो जिसमें मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा यूपी प्रभारी जो है राधा मोहन सिंह, वो भी कोर कमेटी का हिस्सा है। तो इन लोगों के साथ फिर बैठक होती है और फिर जो नाम ये जिले से क्षेत्र से आए होते हैं उस पर डिस्कशन होता है। तीन तीन नामों का एक पैनल जो है वो मांगा गया है ज़िले से और ज़िले से ये कहा गया कि आप लोग जल्दी उस नामों को भेज दीजिए। तो ख़ास तौर से अगर हम कहें तो अभी तो नाम आए नहीं है कि किनके नाम है, लेकिन किन नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा है या फिर हम कहें किस बिरादरी पर ज़्यादा फोकस है बीजेपी का, खासतौर से मैनपुरी की अगर बात कर ले, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वहाँ पर अगर यादव वोट बैंक के बाद सबसे ज़्यादा कोई वोट है तो वो साग के बिरादरी का, यानी साग के सैनी, कुशवाहा, इनका वोट है और फिर उसके बाद छत्री वोट बैंक वहाँ पर है। तो बीजेपी को लग रहा है कि ये तो हमारा वोट बैंक है, लोधी वोट बैंक भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रघुराज सिंह साग के जो चुनाव से पहले ही अगर हम कहें जब विधानसभा चुनाव होते हैं उस वक्त उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, शिवपाल यादव के बेहद करीबी हैं, उनका भी नाम है। इसके अलावा अगर कहें तो वहाँ पर किसी क्षत्रिय बिरादरी से आने वाले नेता को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि जल्द ही एक या दो दिन में कोर कमेटी की बैठक होगी और उससे पहले जो हम कहें कि जो चुनाव संयोजक होंगे और जो चुनाव प्रभारी हैं उनकी भी बीजेपी नियुक्ति कर देगी, ना केवल मैनपुरी में बल्कि रामपुर में भी और खतौली में भी। और रोहित जी, अगर हम बात करें मैनपुरी सीट की, जो नेताजी के निधन के बाद खाली हुई, बीजेपी तो इतनी कॉन्फिडेंट है वो कह रही है कि इस उपचुनाव को हम जीतेंगे, हम मैनपुरी की लोकसभा को जीतेंगे। उसको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो वोट बैंक है वो हमारे लिए, हमारे हित में, यानी बीजेपी के पक्ष में वो वोट देगा। व्यापक रणनीति पर काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास में दोबारा बात रामपुर की कर लेते हैं। आजम के गढ़ में कौन होगा प्रत्याशी, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। आकाश सक्सेना को दोबारा मौका दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी? आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए थे आकाश सक्सेना ने, विधानसभा चुनाव में आजम से हारे थे आकाश सक्सेना। आजम ने आकाश सक्सेना को 55,000 वोट से हराया था। भारत भूषण गुप्ता और डॉक्टर तनवीर का नाम भी चर्चा में है। मुस्लिम उम्मीदवार का कार्ड भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर खेल सकती है। अनुभव, क्या कहना है रामपुर को लेकर, क्योंकि रामपुर का मंथन भी जारी है। देखिए बिल्कुल जारी है, बीजेपी में रामपुर को लेकर भी बहुत मंथन किया जा रहा है, जितना मैनपुरी में किया जा रहा है उतना रामपुर में भी किया जा रहा है। और इसलिए क्योंकि ये आजम खां की सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है, तो बीजेपी की कोशिश है कि कैसे आजम खां को उनके गढ़ में रामपुर में मात दी जाए। और इसीलिए आकाश सक्सेना, जिन्होंने पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर इस पूरे मामले में ही आजम खां की सदस्यता रद्द हुई, तो उनको बीजेपी की तरफ से अगर हम कहें तो विचार उनके नाम पर किया जा रहा है। आपने जैसा बताया कि पहले वो चुनाव लड़े थे और तकरीबन 55,000 वोटों से पिछड़ गए थे। भारत भूषण गुप्ता भी वहाँ पर बीजेपी के नेता हैं और उनके भी नाम पर भी चर्चा है, लेकिन
लेकिन एक नाम डॉक्टर तनवीर, ये एमएस है, सर्जन है और इनकी रामपुर में अच्छे फैन फॉलोइंग है, तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर इनको हम ले आते हैं तो इनके साथ मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं ना कहीं आएगा। पर एक एक उसको वहां पर भी डाउट है, डाउट ये कि अगर डॉक्टर तनवीर को लाते तो ऐसा ना हो कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो छिटक जाए, तो वहां पर एक पेशोपेश की स्थिति है। लेकिन ये तीन नाम है रामपुर में जिन पर अभी हम कहें तो मंथन चल रहा है, पर फाइनल जब जिले से आ जाएगा जो कोर कमेटी में चर्चा होगी बिल्कुल उसके बाद नाम तय होगा। अनुभव आपको दोबारा रोकूंगा क्योंकि आपके पास दोबारा आना है, क्योंकि हमें खतौली की बात भी करनी है। खतौली का उपचुनाव भी बेहद खास है, आखिर खतौली में कौन कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। देखिए विक्रम सैनी के परिवार के सदस्य पर चर्चा हो रही है, सजा के बाद भी विक्रम सैनी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी है, विक्रम सैनी की पत्नी के नाम पर भी विचार हो रहा है। मुजफ्फरनगर कांड के चलते विक्रम सैनी की सदस्यता गई, भाजपा तर्क दे सकती है कि विक्रम सैनी ने समाज की लड़ाई लड़ी। अनुभव क्या कुछ कहना है खतौली को लेकर, यहां पर भी प्रत्याशी के नाम पर मंथन जारी है। देखिए बिल्कुल खतौली में तो बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में वो दावा कर रही है कि वो 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये उनका दावा है और वो ये कह रहे हैं कि आज वो कह रहे हैं और जब नतीजे आएंगे तो आप देख लीजिएगा। हमने उनसे ये भी पूछा कि भाई वहाँ पर जयंत चौधरी भी तो दावा ठोक रहे हैं, उनका भी तो अच्छा खासा वोट बैंक होगा। उन्होंने कहा नहीं, जब वोट पड़ेंगे, जब वोटिंग होगी तो आप देखिएगा बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा। और साफ तौर पर पार्टी ये विचार कर रही है कि विक्रम सैनी की सदस्यता गई है तो वहाँ किसी सैनी बिरादरी से आने वाले व्यक्ति को ही पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, ये बिल्कुल तय है। अब हो सकता है कि वो विक्रम सैनी के परिवार का हो या फिर परिवार का ना भी हो, लेकिन एक चर्चा विक्रम सैनी की पत्नी का भी नाम आया है, उस पर भी चर्चा की जा रही है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। और वजह वही है जो आपने बताई कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में जब सजा हुई, पार्टी ये मानती है कि जिस तरीके से विक्रम सैनी ने वह समाज की लड़ाई लड़ी उसकी वजह से ही वो जीते। और अब जब बाई इलेक्शन हो रहा है उनकी सीट खाली होने के बाद, तो इसीलिए भरोसा बीजेपी एक बार फिर किसी सैनी उम्मीदवार पर ही करेगी। यानी कुल मिलाकर मंथन का दौर जारी है और अगले एक दो दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। अनुभव आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। तो किस तरह से मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव और खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की व्यूह रचना की है, कैसी रणनीति बनाई है, इसको समझने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव की लड़ाई के लिए एक बार फिर भगवा ब्रिगेड तैयार है। इस बार सियासी जंग का मैदान पश्चिमी यूपी है और भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। 5 दिसंबर को विधानसभा की 2 और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव है। मुजफ्फरनगर की खतौली और रामपुर की शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, जबकि नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 10 से 17 नवम्बर तक तीनों सीटों पर नामांकन होंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मैनपुरी और रामपुर सीट पर तो चुनाव की घोषणा पहले ही कर दी गई थी और सोमवार को जब विधानसभा अध्यक्ष ने खतौली सीट को भी रिक्त घोषित किया तो निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। अब जल्द ही भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व ही उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगाएगा। इन तीनों ही सीटों पर उम्मीदवार के चयन को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। माना जा रहा है कि ये बैठक बुधवार को हो सकती है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि तीनों ही जिलों से जहाँ जहाँ ये इलेक्शन होने वहाँ से 3-3 नाम पैनल में मांगे गए हैं और वो नाम जो है जब जिला इकाई भेजेगी उसी 3 नाम के पैनल पर चर्चा यहाँ कोर कमेटी की बैठक में होगी। हाल ही में गोला विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से भाजपा गदगद है। इससे पहले आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर जोश पैदा करते रहते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आजम खान के गढ़ और नेताजी की सीट पर भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा। बुधवार को सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हो सकती है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल
भाजपा में उम्मीदवार तय करने की एक प्रक्रिया है। इसमें जिले से 3 नामों का एक पैनल क्षेत्र को भेजा जाता है, फिर क्षेत्र से वो नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाता है, फिर भाजपा की जो कोर कमेटी है उसमें इन नामों के पैनल पर चर्चा होती है और फिर उस पैनल में से कुछ नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाते हैं, फिर केंद्रीय नेतृत्व ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा करता है। नेताजी की रिक्त सीट मैनपुरी जैसी लोकसभा पर भी भारतीय जनता पार्टी अब विजयी हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि तीनों सीटों पर एक बेहतरीन मुकाबला होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी इसलिए रहने वाला है कि हमारा संगठन ग्रास रूट तक मजबूत है। भाजपा के पास इस चुनाव में भी खोने को बहुत कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा आसमान है, क्योंकि रामपुर हो या मैनपुरी, भाजपा चुनाव दर चुनाव कोशिश तो खूब करती आई है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती। अब इस उपचुनाव में अगर भाजपा ने कोई बड़ा खेल कर दिया तो अखिलेश और आजम खान दोनों के लिए ये बड़ा झटका होगा। चर्चा है कि भाजपा मैनपुरी में पिछड़े वर्ग के नेता को प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि भाजपा ने जब पिछली बार ये प्रयोग किया था तो उसे बेहतर नतीजे मिले थे। पिछले 10 सालों में मैनपुरी में भाजपा का ग्राफ बढ़ता ही रहा है। 2014 में भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 14% वोट मिले थे, जबकि 2019 में भाजपा प्रत्याशी को 44% वोट मिले। केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो की गई हैं और राज्य सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था मैनपुरी में बहुत काम आएगी। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से बीजेपी के जो पसीना बहा रहे हैं इससे निश्चित तौर से मैनपुरी में कमल खिलेगा। मैनपुरी में यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और उसके बाद शाक्य बिरादरी का नंबर आता है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शाक्य समाज से ही प्रत्याशी उतारा था और इस बार भी चर्चा शाक्य प्रत्याशी को मैदान में उतारने की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।